नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। बिना रजिस्ट्रेशन अस्पतालों पर चला स्वास्थ्य विभाग का चाबुक, एक अस्पताल की असील। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मैनाठेर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को थाने में तहरीर दी है। शासन के निर्देश के बाद मुरादाबाद जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पतालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के चलते नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी ने मैनाठेर में बिना पंजीकृत के चल रहे अस्पताल को सील कर दिया और अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए मैनाठेर थाने में तहरीर दे दी गई है। बीते सप्ताह स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अपंजीकृत अस्पतालों पर छापामार कार्यवाही कर रही है। मंडल आयुक्त के आदेश पर इब्राहिम हेल्थ केयर पर पहुंचे नोडल अधिकारी को बिना पंजीकृत अस्पताल चलता मिला, जिसमें एक प्रसूता भर्ती मिली। प्रसूता को जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच वहां पर मौजूद डॉक्टर जीशान से जब रजिस्ट्रेशन के कागजात मांगे तो वो नहीं दिखा सके। नोडल अधिकारी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। मैनाठेर पहुंचे हैं, क्या कार्रवाई की गई है आपकी तरफ से? ये इब्राहिम हेल्थ केयर है, यहाँ पे मैनाठेर थाने के पास में। यहाँ पे जो ना मंडल आयुक्त महोदय के यहाँ पे इनकी शिकायत की गई थी कि इनका फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है और ये सत्य पाया गया। इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और कोई ऐसा प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है और यहाँ पे ये इवन सिजेरियन जो बच्चे ऑपरेशन के द्वारा पैदा होते हैं वो भी एक मरीज यहाँ पे अभी भर्ती पाया गया। और इन्होंने जो यहाँ भी डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने कोई भी जिसान साहब, इन्होंने कोई हमें एविडेंस नहीं दिया, ना कोई वहाँ की फाइल दी और ना ही दूसरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए। तो अब क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? कार्रवाई अभी हम इनके खिलाफ थाने में तहरीर दे रहे हैं, जाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अच्छा, और जो अस्पताल पंजीकृत चल रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसी शिकायत मिल रही है, जैसे ही हमारा औचक निरीक्षण हो रहा है, जो भी हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, हम सबको उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।